तो ही गाइस, मैं यहाँ पे ब्रेड सैंडविच बनाने वाली हूँ, जिसके लिए मैंने प्याज चॉप कर ली है। उसमें मैंने हरी मिर्ची भी कट कर ली है। नीचे एक ही प्याज चॉप करी है, और ये है दूध की, 1 किलो दूध की जो भी मलाई थी ना वो मैंने ले ली है, और ब्रेड ले लिए हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस मलाई में पूरी मलाई ले रही हूँ मैं, आप चाहें तो कम भी ले सकते हैं। तो इसमें मैंने ये जो मैंने प्याज और हरी मिर्च चॉप करी हैं वो डाल दूँगी, और थोड़ा सा नमक डालूँगी, और कुछ नहीं डालूँगी, सिर्फ नमक। अगर आपके पास चाट मसाला वगैरह आप डालना चाहते हैं तो वो डाल सकते हैं, पर मैं सिंपल प्लेन नमक डालने वाली हूँ। मैं सोच रही हूँ काला नमक डालती हूँ, तो मैं काला नमक डालने वाली हूँ। इतना काफ़ी है, और कुछ नहीं डालूँगी क्योंकि हरी मिर्ची ऑलरेडी इसमें है। ये थोड़ा सा ना काली मिर्च जो होती है वो डाल देती हूँ, ये एक चुटकी बस। अब इसको अच्छे से मिक्स कर लेते हैं। पहले ना मैं ब्रेडों को अंदर की साइड से थोड़ा थोड़ा सा सेक लेती हूँ, तो थोड़ा सा मैं घी डाल देती हूँ। तो यहाँ पे मैंने ब्रेड को सेक लिया था थोड़ा सा, और फिर मैंने उसके ऊपर जो मैंने वो बनाया है ना मलाई और प्याज वगैरह का, वो मैंने इस पर लगा दिया है। फिर ऊपर से दूसरी ब्रेड को भी मैंने इसके ऊपर से लगा दिया है। अब दोनों जो सैंडविच है उनको मैं दोबारा से दोनों तरफ से सेक लूँगी गोल्डन ब्राउन होने तक। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल जय माता दी। कैसे हैं आप सभी, उम्मीद करते हैं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। 8:20 हैं, दिन है आज थर्सडे, तारीख मुझे नहीं याद, तारीख क्या है, 6 है आज तारीख। और कैसे बने हैं सैंडविच, मुंह से बोल के बताओ ताकि आवाज़ जाए मेरे व्यूवर्स को। अच्छे बने हैं, खा रहे हैं अभी वो, और मैंने खा लिया है क्योंकि ये चले गए थे नीचे, तो मैंने अपनी चाय और मैंने खा लिया सैंडविच। मुझे तो अच्छा लगा भाई, मैंने बनाया तो मुझे तो अच्छा लगा। मैंने लाल मिर्च नहीं डाली थी आज, मैंने हरी मिर्च और सिर्फ काली मिर्च और काला नमक बस ये डाला था। आप चाहे तो अपने हिसाब से जो आप इसमें डालना चाहें वो डाल सकते हैं, शिमला मिर्च काट के छोटी छोटी बारीक बारीक वो डालना चाहें तो वो डाल सकते हैं, वो आपके ऊपर है। तो बहुत ही टेस्टी लगते हैं, बहुत ही यम्मी वाला टेस्ट आता है, एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। और जब ट्राई करेंगे तो कमेंट करके, ब्रेड भी है मलाई इतनी थी ना, बाकी मलाई तो मैंने अलग कटोरे में रखी है, तो मैंने कल के मलाई में से बनाए थे, अच्छे लगे इसलिए बोल रहे हैं, और नहीं बना सकती थी। यहाँ पे मैं दोपहर का खाना बनाने लगी हूँ, यानी रोटियाँ बना रही हूँ, सब्जी तो रखी ही थी तो बस रोटियाँ बना रही हूँ। और लाइट नहीं आ रही है सुबह से, गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है।
हे गाइस वेलकम बैक। और टाइम 4:15 होने वाले हैं और देखो बारिश हल्की हल्की हो रही है और आंधी आ रही है बहुत जोरदार। सुबह से गर्मी हो ही रही है, लाइट नहीं है सुबह से हमारे यहाँ पे। और मैंने आज सब कुछ तैयारी करके रख ली थी सुबह जो मुझे लड्डू के लिए, पर लाइट नहीं है तो फिर मिक्सी चलानी थी उसके लिए, क्योंकि मुझे जो नारियल होता है ना गोला वो उसको पीसना था, पर लाइट नहीं आई तो फिर वो रह गया। और क्या ऐसा ही होता है, कुछ भी करके सोच के बैठो ना यही होता है। और सुबह से ना तबीयत भी मेरी थोड़ी सी ऐसी ही है, एक दिन ठीक रहती है दो दिन ख़राब रहती है, ये हाल हो रहा है। बीच में दो दिन ठीक रही थी फिर से वही सिचुएशन हो गई है। पर यह है कि अब मौसम थोड़ा सा चेंज हुआ है तो थोड़ी सी राहत हुई है गर्मी में। और मम्मी जो इधर गोबर पाटने के लिए गोबर को इकट्ठा कर रही है, पर अब बात बात के करेंगे। बारिश हो रही है क्योंकि आप लोग क्या करें, आपके वहाँ पे भी हो रही है बारिश? कमेंट करके ज़रूर बताना अगर आपके वहाँ पे भी बारिश हो रही है। और हाँ, जो लोग चैनल पर पहली बार आए हैं प्लीज़ कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर भी कर सकते हैं आप मेरी वीडियो को। तो दुपट्टा सर से रुक भागे जाए। हाँ, सर से दुपट्टे से याद आया, मेरे पास एक कमेंट भी आया था कि सर पर दुपट्टा क्यों रखती हूँ। इसका जवाब फुर्सत से बैठ के दूँगी, आराम से क्यों रखती हूँ बताऊँगी आपको। बारिश धीरे धीरे तेज हो रही है, चलो कुछ तो गर्मी से राहत मिलेगी। और लाइट वही, हाँ डेली का हो गया लाइट, डेली दिन में सुबह 11:30-11 बजे चली जाती है, शाम को वही 5-6 ऐसे आती है, कभी कभी 4 बजे भी आ जाती है, पर अभी तक तो आई नहीं है, 5-6 बजे तक ही आएगी। खाना बना लेते हैं हम, चलते हैं क्योंकि इतनी हिम्मत आनी कराए शरीर बहुत ज़्यादा, वैसे ही पहले भी इतने साल की थी, अब आज तो भाई हम बहुत बुरी तरीके से थक गए हैं। और ये देखो बारिश कहाँ तक आ रही है, यहाँ पूरी अंदर कमरे तक, और थोड़ी और तेज़ होगी ना बारिश तो पूरी अंदर कमरे के गेट तक जाती है, इवन कमरे के अंदर भी क्रॉस कर जाती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है। बारिश तो इतनी ज़्यादा होती है, हवा मतलब अंदर आ जाती है बारिश, ही कह रही थी मैं। और अभी थोड़ी देर पहले ना एकदम घोट कर दिया था राम जी ने, इतनी ज़्यादा घोट कर दिया था, और अब बारिश तेज सी हो गई है, हवा भी तेज़ चल रही है। और जिस हिसाब से हवा चल रही है ना मुझे लग रहा है कि बारिश को उड़ा ले जाएंगे राम जी, हवा बहुत तेज़ है क्योंकि बहुत ज़्यादा तेज़ है। और मैं ना कुछ कहने वाली थी मैं भूल गई। हाँ, मैं बल्कि मैंने अपनी होम टूर वीडियो में बताया ना, यहाँ पर मैंने पर्दा लगा रखा था और यहाँ पर मेरा जो किचन काउंटर का जो जिस पर गैस रखी है वो मेरी यहाँ पर मैं रख के खाना बनाती थी यहाँ पर, क्योंकि पहले ये रूम मेरे पास नहीं था, ये तो मुझे पास में दिया है जब मैं यहाँ पे दोबारा से शिफ्ट हुई हूँ। पहले सिर्फ मेरे पास यही रूम था जिसमें मेरा बेड है, और बाकी यहाँ पे मेरा किचन काउंटर था, इधर इस साइड पे मैंने फ्रिज लगा रखा था और इधर मेरा कूलर था, और जो अंदर सोफ़ा है ना एक सिंगल वाला वो सोफ़े यहाँ पर पड़े थे, क्योंकि टेबल वगैरह जो टेबल जिस पर मैंने मंदिर लगा रखा है वो टेबल अंदर रखी हुई, तो स्पेस इतना होता नहीं था मेरे पास। बहुत परीक्षाएं दी है मैंने अपनी लाइफ में, बस अब मैं चाहती हूँ जल्दी से भगवान खुशियां दे दे। वैसे ना मैं यूट्यूब पे देखती हूँ जो लोग ना अपना जेन्युइन कंटेंट देते हैं ना, जो मतलब नहीं अपने भाई मैं नहीं बताना चाहती आप बीती अपनी या क्या जो भी मैं फेस करती हूँ, मैं सिर्फ जो मैं कर रही हूँ मैं सिर्फ वो आपके साथ अपनी लाइफ शेयर करना चाहती हूँ। मैं क्यों बताऊँ, नहीं बताना चाहती मैं वो, ये दो अपने दुख दर्द बता के व्यूज लो, वही बतेरे चल रहे हैं आजकल यूट्यूब पे, इतना सब कुछ चल रहा है, मैं तो देख देख के चमड़े में पड़ जाती हूँ, एक दूसरे की ना लेग पुलिंग और एक दूसरे के बारे में इतनी वीडियोज़ बन रही हैं, वो उसको बोल रहा है वो उसको बोल रहा है, समझ नहीं आ रहा यार अपने काम पे ध्यान दो, दूसरे जो कर रहा है करने दो, दूसरा कुएं में गिर रहा है गिरने दो, जब तुमने उसको समझा दिया एक, चलो एक वीडियो में आपने बोल के उसको समझा दिया है कि आप ऐसा ना करें इस तरीके से करें, अब वो बंदा नहीं समझना चाहता है जो भी, उसके लाइफ का हमें नहीं पता उसकी लाइफ में क्या चल रहा है, सबसे पहली बात तो यही है, समझ नहीं आ रहा क्या करूँ। अब मैं भी अपना रोना धोना बैठ जाऊँ ना यहाँ लेके तो फिर तो शायद मेरे भी व्यूज़ पे व्यूज़ आएँ, पर मैं नहीं चाहती, मैं उन सब चीज़ों को यहाँ पे सोशल मीडिया पे नहीं लाना चाहती, क्योंकि देखो कौन सा ऐसा घर है जिस घर में इश्यूज़ नहीं होते हैं,
मुश्किल से इक्का दुक्का घर होता होगा जिसमें इश्यूज़ नहीं होते, यानी मोस्टली हर घर में होते ही हैं। तो क्या है ये रोना धोना करना। हाँ, फेस हर किसी की लाइफ में अलग अलग परेशानियाँ होती हैं अलग अलग तरीके से, इसी तरीके से हमारी लाइफ में भी हैं। तो क्या करें यार, कई लोग होते हैं वो बता देते हैं, ओपनली सब कुछ बता देते हैं, मैं नहीं बता पाती यार। नहीं यार, है तो मेरा ही परिवार, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा, है तो मेरा ही। तो चलो अब खाना बनाती, चावल छोकूंगी, हिम्मत नहीं है ज़्यादा कुछ करने की। मेरी पैर ना ऐसे कैसे बताऊँ, बहुत बुरी तरीके से काँप रहे हैं। तो चावल साफ करती हूँ, चावल बनाती हूँ। वैसे तो आटा भी रखा है सुबह का। रोटी अगर ये कहेंगे तो इनके लिए रोटी बना दूँगी, सब्जी भी रखी है और दही भी रखी है। बस चावल छोकती हूँ और बर्तन भी धोने हैं मुझे। मैंने कहा बर्तन बाद में, मतलब जब चावल छोक दूँगी ना तो उसके बाद जितने भी बर्तन होंगे ना फिर सबको साथ में वॉश कर दूँगी। कभी कभी मलाल होता है मुझे अपनी ज़िंदगी से, होता है कभी कभी ना मन भारी हो ही जाता है यार इंसान का। तो चलो चलते हैं। दस बजे के आसपास का टाइम हो रहा है, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है टाइम, मैंने देखा नहीं है। तो दही जमाने आई थी इस कमरे में, तो मैंने सोचा चलो वीडियो की थोड़ी सी एंडिंग भी कर देते हैं। तो आज इधर फोकस कर रहा है, इसे इस साइड कुछ ज़्यादा ही जगह पसंद आती है। तो मैंने सोचा चलो व्लॉग की एंडिंग भी कर देती हूँ। तो मेरे पास ना एक कमेंट आया था मेरे एक सब्सक्राइबर का कि मैं सर पे हमेशा दुपट्टा क्यों रखती हूँ। तो मैं बताती हूँ, हम गुजर कम्युनिटी से हैं और प्लस मैं गांव में भी रहती हूँ। तो गांव में जब रहते हैं ना तो सर पे पल्ला रखना पड़ता है, मतलब सर पे दुपट्टा रखना पड़ता है, क्योंकि गांव में सब बड़े बुजुर्ग जो हमसे होते हैं और हमसे रिश्ते में जो बड़े होते हैं तो हमें सर पे दुपट्टा रखना, इवन जो हम उम्र होते हैं उनसे तो मुँह नहीं ढकना पड़ता, पर जो हमसे बड़े होते हैं रिश्ते में, जेठ हो गया जैसे ससुर हो गया, तो हमें इस तरीके से घूंघट भी करना पड़ता है। तो मैंने दही जमा रखी है, तो इस तरीके से घूंघट करना पड़ता है और इसी तरीके से सारा काम भी मैनेज करना पड़ता है, खाना बनाना, कपड़े वॉश करना, धोना। क्योंकि जब मैं कभी कभी बाहर कपड़े वगैरह वॉश करती हूँ ना तो सामने अंकल जो है ना वो बैठे होते हैं, तो मुझे इस तरीके से कपड़े, और तो उस टाइम मुझे इतनी दिक्कत होती है, बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। सामने ना छत पे बैठे हुए हैं सब और हमारा जो विंडो है ना वो जाली वाला है तो उसमें से दिखाई देता है सामने से। तो इस तरीके से सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, दिक्कत होती है पर क्या करें, ऐसी का नाम ज़िंदगी है। और जैसा देश वैसा भेस हो जाता है। मान लो अगर हम गाँव से बाहर रहेंगे तो उसी हिसाब के पहनावे में ढल जाते हैं, क्योंकि वहाँ पर हमारी कम्युनिटी से रिलेटेड
लोग नहीं रहते हैं तो उस हिसाब से हम रहते हैं। बस कौन हो, घर के फैमिली मेम्बर हो तो पापा जी वगैरह हो तो पापा जी वगैरह से ही सिर्फ हमें इस तरीके से करना पड़ेगा। हाँ, मेरे मतलब जो मेरे इन-लॉज है थोड़े से वो हैं पुराने ख्याल के, तो वो इनसे भी मुझे इन मतलब उनके सामने मैं इनसे भी एक इस तरीके से घूंघट करती हूँ इनसे भी। हाँ, जब हम अकेले होते हैं तो मैं घूंघट नहीं करती हूँ, इस तरीके से रहती हूँ। अगर मम्मी पापा जी कोई होता है तो मैं उनके सामने भी कराते हैं तो करती हूँ। अब पहले तो शुरू शुरू में नहीं करती थी इनसे, पर जब मुझे बोल दिया, टोक दिया तो तब से मैं कर लेती हूँ। तो अब घर में शांति बनी रहे और क्या चाहिए। तो बस वही बात है, जैसा देश वैसा भेस वाली बात हो जाती है और क्या। तो जब कभी अगर भगवान ने चाहा इन फ्यूचर कहीं अच्छी जगह हमें घर मिल जाता है गांव से बाहर, तो उस हिसाब से रहेंगे। देखो क्या होता है, सामने जो कोठी है ना वहाँ पे कोई डोल रहा है, अंधेरा हो रहा है, पर ना वो फ़ोन यूज़ कर रहे हैं तो फ़ोन की जो जैसे फ़ोन यूज़ करते तो फ़ोन की लाइट जलती रहती है, तो वही चमक रही है, तो वही देख रही थी मैं। तो आपको मेरा ब्लॉग कैसा लगा कमेंट करके ज़रूर बताना। वीडियो थोड़ी सी भी अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी, तो प्लीज़ यार सपोर्ट करें। आप सपोर्ट नहीं कर रहे हैं तो सपोर्ट कीजिए, वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने फैमिली मेम्बर्स अपने फ्रेंड सर्कल में वीडियोस को शेयर करें, और डेली कम से कम एक दिन में 3 वीडियो मेरी वॉच करें तो थोड़ा सा हमारे चैनल को ग्रो होने में हेल्प मिलेगी। क्योंकि देखो, आप डेली 3 वीडियो को वॉच करोगे तो हमारा व्यूज़ बढ़ेंगे, इंक्रीज़ होंगे, और हमारा जो फैमिली है ये यूट्यूब वाली वो जल्दी जल्दी बढ़ती जाएगी और ग्रो होती जाएगी। तो चलो हेल्प करना आप सभी भी, मैं भी अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर रही हूँ अच्छा अच्छा कंटेंट लाने की, ये सब कुछ अच्छे से करने की। अगर आप कुछ सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट करके ज़रूर लिख डालिएगा। कल मिलती हूँ आपसे नई वीडियो के साथ, नई होप, नई आशा, नई उम्मीद, नई जर्नी के साथ। घर पर रहे, स्वस्थ रहे, मस्त रहे, अपना और अपनी फैमिली का ध्यान रखें। बाय बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग, जय माता दी। चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए।